हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। और देखिए आज हम आए हुए हैं विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास। दोस्तों मैं मनीष सूर्यवंशी और आज आपको दिखाऊंगा दिल्ली विश्वविद्यालय के पास कौन कौन से कॉलेज हैं। आइए रोड का सफर करते हुए हम निकलते हैं और चलते चलते बीच में आपको बताता जाऊंगा, देखिए ये कौन कौन सी जगह से होते हुए हम निकलेंगे। अगर आपने ये जगह देखी हो तो कमेंट में जरूर बताना कि आप यहाँ पर पहले भी आए हैं। आइए तो आगे की तरफ देखिए, ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये विश्वविद्यालय का रोड है। और देखिए बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसको नज़दीक से हम ज़्यादा देख लेंगे। तो आइए चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए, चलिए मेरे साथ आप भी आइए, फॉलो मी। आपको अगर इतना तो मालूम ही होगा कि डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी को शॉर्ट फॉर्म में डीयू बोल देते हैं। आज डीयू केवल शिक्षा करियर ही नहीं बल्कि कला संस्कृति राजनीति लेटेस्ट ट्रेंड समेत छात्रों के विकास में जरूरी सभी चीज़ों का जरिया बन गया है। तो आगे देखे बढ़ते जाएंगे और आपको जानकारी देता जाऊंगा जो भी बीच बीच में कॉलेज आते जाएंगे। तो बड़े ध्यान से जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए ये बैनर लगा हुआ मॉडल टाउन आजादपुर के लिए रोड जा रहा है, और आगे यहीं से रोड लेफ्ट मुड़ जाता है। थोड़ी दूर से आगे चलते ही देखिए लेफ्ट में हम मुड़ेंगे, बस शायद रेड लाइट ग्रीन हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए जो भी कॉलेज आते जाएंगे ना मैं आपको दिखाता जाऊंगा। डीयू का माहौल ही इतना शानदार है कि आप जाने अनजाने बहुत सी उपयोगी चीज़ें सीखते हैं, वे खुद की अपेक्षाओं से भी ज़्यादा सीख पाते हैं। विशाल नॉर्थ वे साउथ कैंपस 77 कॉलेज और सैकड़ों अंडर ग्रेजुएट पीजी कोर्सों हाई क्वालिफाइड फैकल्टी के चलते डीयू का नाम देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। और देखिए डीटीसी बसें आपको दिखाई दे रही हैं, डीटीसी बसें, और ये शक्ति नगर कैंप चौक इसी रोड पर पड़ता है। और आगे जानकारी देता जाऊंगा, ये सफ़र बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बने रहिए मेरे साथ। थोड़ा ट्रैफिक है। और देखिए पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट है इसी रोड पर, इसी रोड पर काफ़ी बड़े बड़े कॉलेज हैं और लॉकडाउन चल रहा है इस वजह से भीड़ भाड़ नहीं है, नहीं तो यहाँ पर काफ़ी छात्राओं की भीड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देखिए बसंत ऋतु का माहौल भी चल रहा है, कितना अच्छा मौसम है और हरियाली पूरी छाई हुई है। ये थोड़ा माफी चाहूँगा, थोड़ा ट्रैफिक है, ट्रैफिक की वजह से हम स्पीड में नहीं चल सकते, लेकिन देखते रहिए बड़ा ही अच्छा सफ़र है। सर्दी का माहौल है तो सर्दी में देखिए हवा बड़ी तेज तेज चल रही है और हवाओं में हम तो खैर जैकेट पहनकर निकलते हैं। और मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि सर्दी में अगर आप बाइक चला रहे हो तो जैकेट वगैरह स्वेटर वगैरह जरूर पहनकर निकलें। और देखिए ये चाय पानी, ये आज ऑड इवन में बंद है, ये चाय पानी के नाम से फेमस है, ये खोखा बना हुआ है छोटा सा सरकार की तरफ से चाय पानी के नाम से, यहाँ भी काफ़ी मात्रा में भीड़ लगी रहती है। आज लॉकडाउन के कारण यह बंद है और ग्रीन लाइट हो चुकी है। देखिए हम आगे बढ़ते रहेंगे और बने रहिए हमारे साथ में। ये विश्वविद्यालय जो है हम पार कर चुके हैं, देखिए अब जा रहे हैं शक्ति नगर की रोड पर। थोड़ा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है लेकिन हम कोई बात नहीं, चलते रहेंगे, आनंद लेते हुए चलेंगे। ठंडी ठंडी ज़्यादा तेज हवाएं तो नहीं है लेकिन हाँ ठंड बहुत ज़्यादा। और देखिए क्या शानदार मोड़ है ऐसे समय में, और ठंड का मौसम हो और बाइक चलाने में बड़ा ही आनंद आता है, इसलिए हम तो निकल पड़ते हैं ब्लॉग करने के लिए। और काफ़ी यूट्यूबर हमें मिलते हैं इसी सफ़र में, वो भी कहते हैं कि हमें बड़ा ही आनंद आता है ऐसे शानदार मौसम में। एक और मोड़ आ गया है, थोड़ा ट्रैफिक पार कर लेते हैं। आइए हम चल रहे हैं शक्ति नगर की तरफ चलते चलते देखिए आगे, यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ हुआ करती थी लेकिन जिस मुकाबले भीड़ होती थी यहाँ भीड़ बहुत कम है। यहाँ पर एक कचौड़ी वाले की दुकान बड़ी फेमस है, देखिए आपको दिखाता हूँ थोड़े से आगे। और देखिए जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ना, इन गाड़ियों की वजह से कभी कभी इतना ट्रैफिक यहाँ पर जाम हो जाता है बहुत ज़्यादा। अभी ट्रैफिक यहाँ वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है इस वजह से ट्रैफिक कम है, लेकिन ये गाड़ियाँ अभी भी यहीं रोड के जैसे पहले खड़ी होती थी अब कम मात्रा में खड़ी हुई हैं, लेकिन ये खड़ी हुई हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है। और देखिए घंटाघर के लिए लेफ्ट की तरफ निकल जाएंगे, आजादपुर के लिए राइट में। और देखिए शर्मा जी की कचौड़ी की बात कर रहा था मैं, शर्मा जी कचौड़ी वाले बड़े ही फेमस हैं। वीकेंड कर्फ्यू के कारण यहाँ पर भीड़ तो है लेकिन भीड़ बहुत कम है, नहीं तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे भंडारा चल रहा हो। आइए ग्रीन लाइट हो चुकी है, आगे बढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है चलने में और ऐसा मौसम बड़ा ही सुहाना लगता है। ज़्यादा गर्मी हो जाती तो हम बड़े परेशान होते हैं, देखिए ऑटो वाले ने ऐसे ही मोड़ दिया, कहीं भी किसी किसी ड्राइवर को तो बस मोड़ने से मतलब, कोई भी भिड़े कोई टक्कर लगे कोई मतलब नहीं। हरियाली तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है क्योंकि ये बसंत का मौसम है और बसंत के मौसम में हरियाली ऐसे ही छा जाती है। अब होली के बाद तो इतनी बेहतरीन भयंकर वाली गर्मी हो जाएगी।
धूप में निकलने का भी मन नहीं करेगा। ये मौसम मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। देखिए कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं रोड पर, इन्हीं गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है। तो सरकार को पार्किंग का भी इंतजाम करना चाहिए सड़कों पर। ये गाड़ियाँ जो लगती हैं सबसे बड़े जाम का कारण होती हैं। देखिए यहाँ पर ट्रैफिक स्लो हो चुका है। हाँ आप देखिए चलने में बड़ा आनंद आ रहा है। देखिए ऐसा खाली रोड होना चाहिए और खाली रोड में देखिए कितना आनंद आ जाता है। मुझे तो बाइक राइडिंग करने में ऐसे बड़ा ही आनंद आता है। तो आपको कैसा लगता है जब आप खाली रोड पर बाइक राइडिंग करते हैं तो मुझे ज़रा कमेंट में बताइए। आने वाले फरवरी में आपको नहीं मालूम होगा कितनी बारिश होने वाली है। देखिए बारिश के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ, बने रहिए मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ट्रैफिक क्रॉस कर लें फिर उसके बाद में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि फरवरी में दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा। फरवरी में दिल्ली का तापमान न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस तक का रहेगा। आप फरवरी के महीने में दिल्ली में लगभग 3 से 8 दिनों की बारिश की उम्मीद भी कर सकते हैं। ऐसे में अपनी छतरी साथ रखना एक अच्छा विकल्प होगा ताकि आप खराब मौसम में कहीं फंस ना जाएं। फरवरी में दिल्ली में कैसे मौसम की उम्मीद की जा सकती है आइए आपको बताता हूँ। इस बारे में मौसम विभाग की जानकारी अनुसार पूर्वानुमान आपको अच्छी जानकारी आपको बताता हूँ। यदि आप निकट भविष्य में दिल्ली की जाने की योजना बना रहे हैं तो हम विशेष रूप से अनुशंसा करते हैं कि आप जाने से पहले दिल्ली के मौसम के पूर्वानुमान की समीक्षा करें। और आइए देखिए अब आ चुके हैं हम आगे दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में। शास्त्री नगर इलाका ये दिल्ली में इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास है। दिल्ली में शास्त्री नगर के नाम से भी कई जगह की कॉलोनियाँ हैं। ये जो कॉलोनी जिसके अंदर हम अभी हम बाइक राइड कर रहे हैं ये है इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास शास्त्री नगर। देखिए यहाँ पर भी दुकानें ऑडी वन के हिसाब से खुली हैं बंद हैं। एक ओपन है तो एक क्लोज है, और कुछ थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो गलियों में चलता ही रहता है। देखिए ये स्टैंड भाई को बोलते हैं, भाई ये आपका स्टैंड। देखिए भाई साहब स्टैंड ऊपर कर लीजिए। हाँ कर लिया, उन्होंने सुन लिया शायद। देखिए आगे हम राइट होने के बाद में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। हाँ अभी ऐसा है, थोड़ा सा आगे है मोड़, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर काफ़ी गौ माता आपको दिखाई देंगी। ये गली जब भी मैं आता हूँ यहाँ पर गौ माता दिखाई देती हैं तो रोड बंद कर देती हैं। अभी देखते हैं क्या मिलता है आगे। ओहो जिसका डर था वही हुआ, गौ माता। चलिए थोड़ा बाइक को रोक लेता हूँ मैं।